हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं? अच्छी आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और देखिए, मैं आ गई हूँ सुबह सुबह टेरेस पे। सुबह का समय है, सुबह के 7 बजे हैं 7, और मैं सुबह सुबह आ गई हूँ। आज मैं दिखाती हूँ आज आपको मैंने टेरेस पे मेरा क्या क्या ग्रो हो गया है। ये सितंबर का महीना चल रहा है और देखिए, मैंने बुआई थोड़ी कर दी है और थोड़ी रह गई है। अभी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ग्रो किया है आज अपने टेरेस पे। देखिए, ये देखिए सरसों बो दी है मैंने। ये सरसों कहीं कहीं आई है, ऐसे बीज का मैं इसमें थोड़े से और बीज बखेरने वाली हूँ। मैं और बीज डालूंगी इसके अंदर और दिखाती हूँ। और हमारा पालक भी ग्रो हो चुका है, क्योंकि सितंबर के महीने में इस बार मैं जल्दी पालक बो दिया। और देखिए, बहुत सारा पालक ग्रो हो चुका है, दिखाती हूँ मैं। देखिए कितना छोटा छोटा पालक आ रहा है, अभी अभी बोया है मैंने 15 दिन में। देखो कितना ग्रो हो गया है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और अब चलते हैं, अब दिखाने वाले हैं हम आपको अपने करेले। और क्योंकि हमारे टेरेस पे आ गए छोटे छोटे करेले। करेले की बेल मैंने काफ़ी दिन पहले बोई थी तो, लेकिन करेले नहीं आ रहे थे, लेकिन अब करेले आ चुके हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको करेले। करेले की बेल भी अच्छी तरह से ग्रो हो गई है, सूखने भी लग गई है, क्योंकि अब शायद इनका ख़त्म होने, करेलों का ख़त्म होने का सीज़न आ रहा है। तो हल्की हल्की सूखने लग गई है, लेकिन दिखाती हूँ मैं फिर भी, इस पर करेले लगे हुए हैं। देखिए दिखाती हूँ मैं। देखिए गाइस, ये छोटे छोटे से करेले हैं, छोटू छोटू। देखिए ये रे, कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे करेले लगे हुए हैं मेरी बेल पे। देखिए ये बेल कहाँ पे कितनी लंबी जा रही है यहाँ तक। और यहाँ पे भी 1-2 करेले आए हुए हैं छोटू छोटू से। देखिए बेल कितनी अच्छी ग्रो हो रही है। और ये हमारा छोटा सा कड़ी पत्ता चट्टा। और देखिए चीनू ने देखिए, ये हमारे तेल की बोतलें हैं, जो तेल की बोतल का इसने पोट बना दिया है। देखिए इसमें मिट्टी भर दिया। और देखिए ये अब थोड़ा और ग्रो हो जाएगा। इसमें बीज लगाए हुए हैं चीनू ने फ्लावर्स के शायद। और ये तो पालक का उगा हुआ है इस पे। और गाइस, मौसम बदल रहा है, सुबह सुबह हो चुकी है बहुत ठंड, हल्की हल्की ठंड पड़ने लग गई है। थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है सुबह सुबह। और आज मैं सुबह सुबह उठ के आज टेरेस पे आ गई। रोज़ तो मैं नहीं आती हूँ, क्योंकि रोज़ आज बच्चों की छुट्टी है, आज सबकी छुट्टी है, वकील साहब भी नहीं जाएंगे। आज सुबह सुबह मुझे थोड़ा मौका मिला टेरेस पे आने का, तो मैं आ गई थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि और दिन तो मौका नहीं मिलता, क्योंकि सुबह उठते पहले किचन में लगना पड़ता है, सबको जाना होता है, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। ऊपर कभी नहीं आ पाती खाना बनाने में, इतना लेट हो जाती हूँ। 9-10 बज जाते, फिर 9-10 बजे ऊपर टेरेस पे आने का कोई मज़ा ही नहीं रहता। सुबह सुबह आओ तो ठंडी हवा मिलती है। और देखिए हरियाली 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 देखने को मिलते हैं, हरी हरी चीज़ें देखते हैं, आँखों को बहुत सुकून मिलता है, इससे अच्छा लगता है। और गाइस, अब चलते हैं नीचे, करते हैं नीचे नाश्ते की तैयारी। 7 बज चुके हैं, जैसे कि अभी दियार वकील साहब तो आज वॉक के लिए गए थे बहुत दिनों बाद। चलो चलते हैं, अब बनाते हैं नाश्ता, चलते हैं नीचे। घी खत्म हो चुका है गाइस, ये डाल दे हम। क्या बना रहे हो बेटा? अंडा ब्रेड पर काटो कैसे, इसे बदल तो ऐसे काट लो। सही से काट लेना इसे। है ही नहीं, कुछ काट नहीं। कैसे काट? दिखाओ। और मम्मी ये पीस दे दो। देखिए घी निकल चुका है गाइस। और दिया देखिए बना रही है ऑमलेट अपने लिए, क्योंकि उसके सुबह सुबह आज नाश्ते में ऑमलेट का मन है खाने का, है? यस गाइस। और डाल देंगे इसके अंदर, अब इससे हम गैस स्टार्ट कर देंगे। हमने गैस बंद कर दी थी। आप पकड़ा। अब मैं इसके अंदर हमने ब्रेड डालूंगी। आज गाइस दिया बहुत अच्छा नाश्ता बनाने वाली है अपने लिए, सिर्फ ये अपने लिए ही अच्छा बनाती है। वाव गाइस, दिया ने तो पलट भी दिया। वाव वाव दिया वाव। पर एक काम मुड़ चुका है। क्या हो गया? एक मुड़ चुका। वाव
भाई दिया तो बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती है। तो गाइस हमारे दिया में बहुत सारे गुण है। अंडा क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटा, ये आपको तोड़ तोड़ के ही खाना है। अरे गाइस दूध ही तैयार हो चुका है दिया का, ये रख देंगे हम, इसका नाश्ता हो गया है रेडी। पहले दिया का हो चुका है नाश्ता रेडी। सामने देखो दिया। और फ्रेंड्स अब करते हैं हम लंच की तैयारी। और लंच में आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भुर्ता। और मैं थोड़ी देर में घर की सफाई करके रखती हूँ भुर्ताओं करने के, भुर्ता बनाने के लिए बैंगन थोड़ा जल्द सेकूँगी उस पर गैस पर। अभी तो बहुत काम है, अभी बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए नाश्ते के। या नाश्ते के दिखाती हूँ कितने नाश्ते के बर्तनों का, देखिए कितना ढेर लग चुका है। पहले हम नाश्ते के बर्तन साफ़ करेंगे फिर उसके बाद बनाएंगे खाना। गाइस अभी बहुत टाइम है और सिलप भी बहुत गंदी हो चुकी है, और मैं करती हूँ थोड़ी साफ़ सफाई की तैयारी फिर उसके बाद बनाएंगे। आज हम बैंगन के भुर्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं गाइस, बहुत टेस्टी बनने वाला है ये भुर्ता। हम मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। और गाइस ये हो चुका है मिनी का नाश्ता तैयार। मिनी ले मिनी। और गाइस 11 बज चुके हैं और मैं नहा के आ चुकी हूँ, और अब करते हैं लंच बनाने की तैयारी। और लंच बनाने वाली हूँ मैं बैंगन के भुर्ता। और देखिए मैंने ले लिए हैं दो बहुत सुंदर सुंदर से बैंगन, देखिए इनमें बाहर से कोई दाग नज़र नहीं आ रहा है, अंदर ख़राब निकल गए तो पता नहीं। अब चलते हैं हम इनको करते हैं, इनको भून लेते हैं गैस पर। ये गैस का फ्लेम कर देते हैं हमें ऑन। अब देखिए गैस का फ्लेम हमने कर दिया है ऑन। कैसे अब इसको कर देते हैं क्या काट के प्याज। और गाइस इनको मैं नहीं बनाना चाहती है दूसरे तरीके से, लेकिन मुझे वो वाले तरीका आता नहीं है जो मुझे जिसमें मैं परफेक्ट हूँ वही मैं बना सकती हूँ। और गाइस हमें वो करना चाहिए जिसमें हम परफेक्ट है, जो हम अच्छे रीति से कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं गाइस। और अब हम जैसे कि मैंने रख दिया है कि बैंगन जलने के लिए इसको, यानी कि अंदर से पक जाएगा ये, भुन के एकदम से भुन जाएगा ये, तो थोड़ा रेड रेड सा हो जाए, थोड़ा एकदम ब्लैक हो जाएगा जल के ये। और अब गाइस कर लेते हैं हम इसकी मसाले की तैयारी। अब लहसुन प्याज कर लेते हैं तैयार और मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। के रेडी हो चुका है, देखिए ये वाला भी भुन गया है, अब हम इसको भी उतार लेंगे। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया एकदम भुन के। और अब ये हमने प्याज लहसुन ले लिए हैं, 5-6 प्याज ले लिए हैं, 3 बड़े बड़े टमाटर, 3-4 ग्रीन चिली। और अब हम करते हैं इनको कट, और इसको भी इसके छिलकों को भी उतारते हैं हम जल्दी से, फिर करते हैं भुर्ता बनाने की तैयारी। देखिए कैसे कैसे स्किन निकल के आ रही है इसकी। अब थोड़ी देर में छील के कर देते हैं हम इसे रेडी बनाने के लिए। अब तो मिलते हैं कुछ देर बाद। और गाइस देखिए भुर्ता मैंने छील करके पीस दिया है, थोड़ा सा मैं चक्कू से ही कर देती हूँ ठीक, इसको एकदम मिक्स कर देती हूँ चक्कू से ही गाइस। अब मैं थोड़ी देर बाद इसको बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है आज का खाना, छुट्टी का दिन बहुत लेट हो जाता है। देखो मैंने तो खाने के लिए घूमने भी लग गई है। और ये रख दिया मैंने कढ़ाई इसमें क्या।
और चाय बन के रेडी हो चुकी है गाइस। ये दिया दिया और मैंने क्या बना रहे बेटा? पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न दिखाओ। देखिए दिया और मैंने ने डाल दिए इसमें पॉपकॉर्न बनाने के लिए। अभी थोड़ी देर में पॉपकॉर्न बन के रेडी हो जाएंगे। और उल्टा लगा रहे ऐसे ऐसे कैसे लगेगा? ऐसे रख देना, ऐसे रख दे। हाँ कुछ कहना चाहती हूँ आप यार? गाइस कहते हैं पट 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 पट। क्या कहते हैं? पट 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 पट। पॉपकॉर्न बन के रेडी होने वाले हैं 5 मिनट में। अभी तो कुछ दिखा, अभी तो गाय कोई प्रोग्रेस नहीं है इसमें। कटेंगे कटेंगे ये रख दे, इसमें भी है। अरे मेरी चाय चाय पीने के लिए भी रेडी हो चुकी है। देखिए पॉपकॉर्न बनाते बनाते चाय पी रही है गाइस। और देखिए ये बमबारी शुरू हो चुकी है गाइस। देखिए पॉपकॉर्न बन के रेडी हो गया। वाह पॉपकॉर्न बन के रेडी हो चुका है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस पॉपकॉर्न बनके देखिए रेडी हो चुके हैं और देखिए खाने वाले कैंडिडेट आ गए हैं लाइन लगा के। देखिए ये एक के बाद एक, वाओ हो गए तैयार। बाय गॉड भाग गए तो इधर लग गई है मैंने भी खाने के लिए पॉपकॉर्न। गाइस 2 महीने पहले दिया के जूते आए थे और इसने वो तोड़ दिए हैं। 2 महीने चलाए ओनली। अब नए शूज आएंगे। क्या शूज आएंगे? बेंटो। और क्या क्या लेके आएगी दिया? शूज पता नहीं कौन से। और क्या क्या लेके आओगे बेटा? अपने स्कूल के जिम्स लेके आऊंगी। सामने से बोल। अपने स्कूल के जिम्स लेके आऊंगी सॉक्स। और गाइस रात का समय हो चुका है और डिनर की होने वाली है तैयारी। अब डिनर में क्या बनाएगी मिनी, क्या बनाएगी बेटा बताओ? मैं तो बहुत सारी चीजें बना देती हूं। और गाइस मिनी को नहीं पता है कि आज हमें क्या बनाना है और मुझे भी नहीं पता है। अभी वकील साहब गए हैं बाहर दिया को जूते पहनाने के लिए। देखते हैं आज क्या बनेगा। आज हमारे घर कुछ भी नहीं पता, डिनर का डिसाइड ही नहीं हुआ है अभी। अब हम किचन में आ गए, किचन की हमें जला दी है लाइट। और देखिए सारा सामान ऐसे ही फैला के रख दिया है चाय बनाने के बाद मैंने। अब मैं थोड़ा रसोई सेट करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। गाइस बहनों में कितना प्रेम है, इनमें एक दूसरे का सर करती रहती है हमें। और गाइस मिनी की चोटी हो गई ये रेडी। वाओ। और फ्रेंड आलू की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है और रायता भी हो चुका है रेडी। और अब हम करते हैं आटा गूंथने की तैयारी। और फ्रेंड खाना बनके रेडी हो चुका है, खा लीजिए आप भी। और इधर चिनू भी डिनर कर रही है और मैं भी बनाया है रायता और आलू की सब्जी। गाइस खा लीजिए गरम गरम। Thank you.